सब जगह कटी वेदरी ऋचामा लिखी हो तो कटे की लिखियो सब वर्णन करियो, पर जितो भगवान की महिमा रो वर्णन करनो छे तो उतो नहीं करियो। भगवान ने नाम रो, भगवान ने रूप रो, भगवान ने गुणा रो, भगवान ने धाम रो, भक्ति रो, सत्संग रो, साधना रो जो वर्णन करनो छे तो वो आप वर्णन नहीं करियो। और संतो कवे जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना ना चाहिए। बा वाणी बेकार है जिन वाणी सु भगवान दो नाम प्रकट नहीं हुए, वो हाथ बेकार है जिन हाथ सु या माला या सेवा नहीं हुए, वे पग बेकार है जो पग कटी दर्शन करने वास्ते तीर्थ यात्रा वास्ते या गोधाम वास्ते या माता पिता वास्ते नहीं जावे, वे आंखियां बेकार है जो शास्त्रों रा संता रा तीर्थों रा दर्शन नहीं करे, वे कान बेकार है जो हरि चर्चा नहीं। आप इतो सारो वर्णन करियो पर कठी सत्संग रो भगवान री महिमा रो नाम री महिमा रो वर्णन नहीं करियो। नारद जी आटे आपरे पूरु जन्म रो वर्तांत सुनावता वा कहे, मैं दासी रो बेटो हो लारला जन्म में पर संतारी कृपा हुई। देखो कहतो दासी रो बेटो हो, पड़ोस रे घर में जावनो भी मारे हाथ में नहीं हो, संतारी कृपा सु भगवान रो बेटो बन गयो हूं, अब पूरी त्रिलोकी में कटे भी जा सकू, मने सब छूट। के तो दासी रो बेटो हो के मैं भगवान रो बेटो बन गयो, आ सब संतारी सत्संगरी तो कृपा है। आप भी संतारी सत्संगरी महिमा रो वर्णन करो, आशीर्वाद दे। अब नारद जी वटे सु प्रस्थान करे। व्यास जी महाराज अब आपरे आश्रम में बैठा है। एक दिन माया और पुरुष रा दर्शन करता हुआ मन में विचार करे, जितो ही खेल खेलावे के आ माया ही खेल खेलावे। कोई कि नहीं लारे दौड़े है तो माया रे कारण लारे दौड़े, कोई कि नहीं आगो वे तो ही माया रे कारण आगो वे। अब आगा उनरा दो कारण है, कह तो ओ कारण है इनके ने की है ही कोनी, इन्हें लारे फिरन कहीं करा इन आगा हो जाओ। कह पछ खुद कने बतो है ओ हाथ रे जन की ले पड़ी इन वास्ते इन आगा हो जाओ। तो लोग नेड़ा भी माया रे कारण आवे आगा भी माया रे कारण होवे। आज शुद्ध चित्त सु व्यास जी महाराज आपरे आश्रम में बिराजिया। ग्रंथ रो ग्रंथ री रचना करी नाथ। अब ग्रंथ री रचना तो होगी पर मन में आयो सबसे पहले किने हुणो, श्रीमद भागवत महापुराण तो लिखी गयो पर मन में आयो किने हुणो। जो आपा कोई नयो मोबाइल लाओ कि नई गाड़ी लाओ जन भाई रहे नहीं के भाई एंग एंग बड़ा, देखो बुरो नहीं मानो तक बात कर दू, कोई गाड़ी लावे के जन गाड़ी कहे सा गाड़ी बंधावा તેને આડોશિયા અને પાડોશિયા અને ગળીમાં હેંગા ને ભેળા કરી બંધાવા, કોઈ કોઈ જ વેજ કરો ભાવ બંધુ ન હોય, બાકી તો લગભગ 190 જણા તો હેંગા ને દીકવને વાસ્તે ભેળા કરે બંધુ ન રો મતલબ હોય હેંગા ને ઠાપડની થઈ જાય બંધો ગાડી લઈને આવ્યો હોય, જાદુ જાદા એક એક પેડો લાગ્યો ઓર પછી કઈ એક એક પેડો દે દે એમાં પર હેંગા ઠા તો પડની થઈ જાય મેં ગાડી લઈને આવ્યો, તો એક બહુ ઉત્સાહ રહ્યો। વ્યાસજી મહારાજ ઇન ગ્રંથ ની રચના કરી, મનમાં વિચાર આવ્યો ઓ ગ્રંથ સૌથી પહેલી કિને સુણાવું, જણ ચિંતનમાં આવ્યો મારો બેટો સુખદેવ। સુખદેવજી મહારાજ વનમાં તપસ્યામાં બિરાજ્યા હા, વ્યાસજી ગયા ઓર એક ભાગવત રે એક શ્લોક રો ઉચ્ચારણ કર્યો, અહો બકિયમ સ્તન કાલ કૂટમ જિજ્ઞાસયા પાયા યદા સાધ્વી લેભે ગતિમ ધાત્રુચિતામ તતોન્યમ કમ વા દયાલુમ શરણમ વ્રજેમ। ઇન શ્લોક રો અર્થ ઓ હૈ, એક પૂતના નામરી રાક્ષસી, આપા કથા મેં સુણા આ વાત, એક પૂતના નામરી રાક્ષસી આપરે આંચલ માતે હલાહલ ઝેર લગા નહીં, ઓર બા ઝેર પિલાન મારને વાસ્તે વો આપરો ઝેર લાગ્યોડો આંચલ ભગવાન ને દૂધ પિલોને વાસ્તે ભગવાન ને મુંડા મેં રખ્યો, હાલાકી આઈ તો મારને વાસ્તે ઈ પર ભગવાન જો ગતિ માને મિલી છઈ જે વા ગતિ ઉન પૂતના ને ભગવાન દી ઓર આપરે ધામ મેં ભેજ દી। વ્યાસજીઓ શ્લોક બોલ્યો, શ્લોક સુખદેવજી રે કાનામાં ગયો, સુખદેવજી મહારાજ ની સમાધિ તૂટી, કઈ કોઈ ઇતો ભી દયાલુ હો શકે। સુખદેવજી સમાધિ સુ ઉઠન પિતાજી કને આયા ઓર આન કહે, પિતાજી હમારા આપો શ્લોક બોલ્યો ની કોઈ ઇતો દયાલુ હો શકે, દેખો દુનિયા મેં એડા લોક હોય જીકો ચોખો કરને વાળા રે સાથે ચોખો કરે, બુરો કરને વાળા રે સાથે બુરો કરે, અચ્છા
चोखो करने वाला रे साथे बुरो तो भेरी गणाई कर दे, पर बुरो करने वाला रे साथे चोखो करनिया तो कोई को नहीं दिखे। बा आई तो मरने वास्ते ही, पर भगवान उन्हें आपरे धाम में भेज दी। भगवान कोई इतना दयालु है जन पिताजी कहे सुखदेव जी, भगवान जेड़ा दयालु तो कोई हो ही नहीं सके, एड़ा दयालु री शरण में क्यों नहीं आओ। जन सुखदेव जी कहो पिताजी मने वो श्लोक बहुत अच्छो लागो, मने एक बार और सुनाओ। जन व्यास जी कहे सुखदेव जी कुटिया माते चलो, एक नहीं एड़ा 18,000 श्लोक सुनाओ। आज री में सत्संग प्रारंभ करी जन आपने कहो हो इन भागवत में 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक सुनाओ, मतलब वो भागवत रो ग्रंथ व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज ने सुनायो। वे सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों ने कह रिया है, व्यास जी रचना करी, सुखदेव जी ने सुनायो और सुखदेव जी आ कथा राजा परीक्षित ने सुनाई। जन वे सोनकादिक ऋषि कहे परीक्षित जी सुखदेव जी रो संवाद की करो यो आ बात सुनाओ। जन सूत जी महाराज कहे महाभारत रो युद्ध चाल रियो हो, लगभग 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 युद्ध पूरो विराम माते ज हो। अच्छा महाभारत की जगह हुयो, आप लोगों ने ध्यान है महाभारत किस जगह हुयो? अरे बोलो तो सही। एक भाई का मारते सुबह गली में ही हुयो हो, नेट छोड़ाया के घर में तो सुबह गुड मॉर्निंग ही लड़ाई रहते ही हुए, रोजिना घर में महाभारत हुए। अच्छा रोजिना महाभारत कर करन इतो अभ्यास हो गयो कि कदी लड़ाई नहीं वेक उन्दी नोचे, आज आप लड़िया ही को नहीं गई, आज घर में की लड़ी काई चुई को नहीं गई। देखो ऑस्ट्रेलिया में कदी माँ ऑस्ट्रेलिया नहीं हुए, जापान में कदी माँ जापान नहीं हुए, इंग्लैंड में कदी माँ इंग्लैंड नहीं हुए, पर भारत में रोज नहीं हुए, घर घर में हुए, गली गली में हुए। अच्छा जो मुख्य वाली महाभारत हुई बाकी जगह हुई कुरुक्षेत्र में, किने किने बीचे हुई? मैं काली कहे होने याद वजी का बोल लो नहीं, याद वजी का याद कर ले उन्होंने बात घर कोई को नुना वेला घरे तो बज भाई तालरिया मंगरिया। आपने उठा को एंटा है महाभारत रो युद्ध राम रावण ने बीचे हुई हो। अच्छा वे लोग हाथ खड़ा करो जिको सच में वो जाने कि राम रावण के बीच महाभारत हुई हो, करो हाथ खड़ा करो करो देखो एक बार देखो तो टीन हाथ खड़ा हो रही है अरे नाथ अमन बाता तो घनी उपज रही है पर भागवत लारे रह जाए। नारायण नारायण नारायण। तो महाभारत रो युद्ध कौरव और पांडव रे बीच में हुए। अच्छा चलो एक सवाल और पूछ लू, कौरव किता 100 और पांडव किता 5, ये तो बाया जाने हावी थोड़ी कि तो ये तो आटे जंक्शन है ना। खूब सारी सेनाओं रो विनाश हुयो, कटे माथा कटियोड़ा पड़िया है, कटे हाथ कटियोड़ा पड़िया है, कटे आधा आधा शरीर का टुकड़ा योड़ा पड़िया है, कटे रथ टूटियोड़ा पड़िया है, कटे हाथी घोड़ा मरियोड़ा पड़िया है, कटे भाला कटे धनुष कटे बाण कटे कि नहीं मुकुट कटे कि नहीं जूता। वो कुरुक्षेत्र मैदान तो यूं लाग रियो है जानो कोई लाल समुद्र हो, इतो खून उठे वयो। भीमरे गदारे प्रहार सुन दुर्योधन की जांग टूट गई है, अदमरो सो दुर्योधन उठ कुरुक्षेत्र मैदान में पड़ियो है। द्रोणाचार्य रो बेटो अश्वत्थामा वो दुर्योधन सु मिलने वास्ते गयो, उठे कुरुक्षेत्र मैदान में अदमरो सो वो दुर्योधन पड़ियो हो, वो दुर्योधन अश्वत्थामा ने देखन कहे अश्वत्थामा तू मारो मित्र है तू मारो दोस्त है की तो दोस्ती निभा। अश्वत्थामा कहे बोल तू कई जू करने तैयार हूं। जन दुर्योधन कहे मैं 100 हा और वे
पांचा बेन पांचमु एक ही मरियो नहीं और माने सोमु एक भी बचियो नहीं हो सके तो उन पांचमु किनु एक रो माथो काट लिया और अगर हो सके तो अर्जुन रोज लाई जाए क्योंकि दुर्योधन भी हंगू ज्यादा दुश्मनी अर्जुन के साथ है। अश्वत्थामा गयो बोले ठीक है मैं थारो काम कर दे। भगवान सब जानता हा भगवान सब पांडव ने कहे सुनो भाई कल आप युद्ध जीत जावा तो क्यों ना एक दिन पहली आप थोड़ो सो उत्सव मनावा एक दिन पहली उत्सव मनावा। सब पांडव कहो ठीक है जो आप कहो जो बोले चलो प्रभास क्षेत्र चला। सब प्रभास क्षेत्र गया। पांचू पांडवारे पांच बच्चा हा वेने कहे थी चालो जन वे पांचों ही बच्चा कहे नहीं नहीं माने बहुत नींद आ रही है मैं तो आटे ही सो। भगवान सब जानता हा तो भगवान भी साथे ले जवनारी जिद नहीं करी। भगवान के ठीक है ते सो मैं लोग जावा। अब वे सब प्रभास क्षेत्र गया। आप लोग द्वारिका तो गए बड़ा वाला द्वारिका सु सोमनाथ इन बिचलो जी को क्षेत्र है वो क्षेत्र प्रभास क्षेत्र कहलावे। समुद्र किनारा रो क्षेत्र प्रभास क्षेत्र कहलावे। तो वे सब प्रभास क्षेत्र गया। अठी ने आधी रात ना वो अश्वत्थामा हाथ में तलवार ले और पांडवारे डेरा मत आयो। संयोग सु कई हुई वे पांचू पांडवारा जो पांच बच्चा हा वे आप अपने पिताजी रे बिस्तर माते सोई गया हा। अंधेरा में वो अश्वत्थामा देखियो वे पांचू पांडव सुता है। मौको बढ़िया है वो अंधेरी रात में तलवार सु पांडव समझ और गलती में पांडवारे बचारा माथा काट दिया। पांचू बालकारा माथा पकड़ और कुरुक्षेत्र मैदान में जठे वो दुर्योधन पड़ियो हो वठे वो पांचारा माथा पकड़न लेन गयो। दुर्योधन दूर सु देखते पहचान लियो अरे अश्वत्थामा तू वो कई करियो ये पांडव नहीं है तो पांडवारा बच्चा है। अबे तो माने कुल में कोई पानी देवने वालो भी कोनी राखियो है तू तो तू गलत करियो। दुर्योधन ने श्राप लागोड़ो हो। दुर्योधन ने एक दिन पूछियो कि नहीं कि मारी मौत कद होई जन जवाब मिलियो जिन दिन थने खुशी और गम दोनों एक आते होई उन दिन तारी मौत होई। खुशी इन बात री है कि वंश पांडवारो वंश समाप्त हो गयो पर गम इन बात रो है कि माने वंश में अब कोई बचियो नहीं माने तर्पण ही कौन करी। खुशी और गम दोनों एक साथ है। आठी ने बे सब प्रभास क्षेत्र में खुशियां मनाए पर पाछा आपरे डेरा माते आया। नाथ इतनी देर तो खूब खुशियां ही इतनी देर मन में उत्साह हो कल युद्ध जीत जावा कल युद्ध जीत जावा। जो ही डेरा माते आया एक सन्नाटो सो छाई गयो। घर में कोई एक सदस्य जावनो तो दूर री बात है एड़ी वेड़ी कोई बीमारी भी लाग जावे तो मन आगो पाछो हो जावे मन जगत छोड़ देवे। अरे भाई अने की नहीं होनो चीजे की नहीं होनो चीजे। इन बात ने आप बहुत अच्छी तरीका से समझ पाओला। नाथ एक मारी आंखियां रे हमें एक नहीं दो नहीं पांच बच्चा बिना माथारा मरियोड़ा पड़िया है। उन द्रौपदी में कई बीती हो द्रौपदी तो बेसुध सी उगी छाती पीट पीट रोने लगी। सब देखे जी का भी हक्का बक्का हो गया। रोता द्रौपदी ने देखन अर्जुन कहे द्रौपदी तू रो मत जिको थारे बच्चा ने मारिया है मैं उन्हें ले नाऊला। उंडे माता माते बैठन उंडे खून सु तू थारे माथेरा बाल धुईजे। भगवान ने कहे केशव रथ तैयार करो। भगवान रथ लेन आया अर्जुन रथ में बैठ गयो। जटी ने अश्वत्थामा दौड़ियो हो लारे लारे रथ चलायो। अश्वत्थामा देखियो मैं कई करूँ लारे आ रिया है जन अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ियो। अर्जुन कहे प्रभु ब्रह्मास्त्र आ रियो कई करूँ जन भगवान के लवो लवो सु कटे तो ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दे। दोनों अस्त्र आपस में टकराने लग गया। भगवान देखियो अगर दोनों अस्त्र आपस में टकराई गया तो प्रलय आ जाए। भगवान आपरी ताकत सु दोनों ने खेचन शांत कर ले। अश्वत्थामा ने पकड़े रस्सी सु बांध रथ में नाके आपरे डेरा माते लेन आया। रथ सु नीचे पटकियो और कोई मरियोड़ा पशु ने की कर यूं जमीन माते रस्सी सु बांधन यूं घसीटे ज्यू खींचता खींचता आपरे डेरा रे मैं लेन आ गया।
જીવી અશ્વત્થામાને જીવતા અશ્વત્થામાને ઇન પ્રકાર લાવતાને દેખ્યા ઉન દ્રૌપદી રે મનમાં આઈ અરે અરે નહીં 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 મુચ્યતા મુચ્યતા મેં સબ બ્રાહ્મણો નિતરામ ગુરુ ઇને છોડ દો ઓ ગુરુજી નો બેટો હૈ ગુરુ રો બેટો ગુરુ રે બરાબર પૂજનીય હોયા કરે છોડ દો ઇને છોડ દો અરે જિન કનુ તે બાણ ચલાવણો શીખ્યો જિન કનુ તે ધનુર્વિદ્યા શીખી ઓ થાણા ગુરુ દ્રોણાચાર્ય રો બેટો હૈ ઇને મત મારો છોડ દો છોડ દો તો કોઈ કયો ક્યુ છોડ દો તારા બેટા ને તો માર દિયા ઇને ક્યુ છોડ દો જણ દ્રૌપદી ને કયો એક મારો દર્દ દૂજી માઈ સમજ શકે હૈ ઇન વાસ્તે કહું છોડ દો મારા બેટા મર્યા મને કીતો દુઃખ હો રહ્યો હૈ ઓ મારી જણ ઇન્ડી માં ને કીતો દુઃખ હોય ઇન્ડી માં ને દુઃખ મત દો છોડ દો ઇને છોડ દો જણ ભીમ આન કહે નહીં નહીં ઇને માર દો અબ દ્રૌપદી કહે છોડ દો ભીમ કહે માર દો જણ ભગવાન કહે શાંત જાઓ શાંત જાઓ ભગવાન કહે અર્જુન તે દ્રૌપદી ને પ્રતિજ્ઞા કરી હી પ્રતિજ્ઞા પૂરી કરો જણ અર્જુન હાથ મે તલવાર લે લી ભગવાન કહે દેખો અર્જુન કોઈ બ્રાહ્મણ ને મારનો નહીં છીજે જણ અર્જુન તલવાર પાછી નીચે કરી દી તો ભગવાન કહે પર જીકો બ્રાહ્મણ ખુદ તલવાર ચલાવે ઉને છોડનો ભી નહીં છીજે અર્જુન હાથ જોડીને કહે પ્રભુ કરનો કઈ સીધો સીધો ઈ કહે દો ભગવાનની વાતને અર્જુન જ સમજ પાવતા હા જણ ભગવાન કહ્યો અર્જુન કોઈ ભી બ્રાહ્મણ અગર બડા શું બડો અપરાધ કરી દીધો હોય તો ભી બ્રાહ્મણ ને કદી પ્રાણદંડ નહીં દેવનો છીએ ઊંડો અપમાન કરી દેવણો ભરી સભામાં તિરસ્કાર કરન વટે શું નિકાલ દેવણો પણ કદી પ્રાણદંડ નહીં દેવનો છીએ દેખો કે નહીં ચાકુ શું છુરે શું તલવાર શું ઝેર શું અગર કે નહીં મારા તો બહુ એક બાર મરે પર અગર કિંડો અપમાન કરે ભરી સભામાં તો હું બાતને યાદ કર કર યાદ કર કર બો જિંદગી ભર મરે મહિને મહિને મરે આપ સબ લોગ જંજરિયા હનુમાનજી મંદિર મે રામ કથા સુની હી રામ કથા મે પ્રસંગ આયો હનુમાનજી લંકા મે ગયા હા જણ બો મેઘરાજ મેઘનાથ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યો બ્રહ્માસ્ત્ર તઈ સાધા કપી મને કી ન વિચાર અગર ઇન બ્રહ્માસ્ત્ર રી શોભા મર્યાદા મેં બી નહીં રાખું તો કોણ રાખી જણ બંધન મેં આઈ ગયા નાથ હનુમાનજી ને રાવણ ને હામી લેન ગયા રાવણ કહે ઇને માર દો જણ વિભીષણજી હાથ જોડન કહે દૂત ને મારનો ઠીક નહીં હૈ બોલે તો એવું કરો ઇંડો અપમાન કર દો અપમાન કી કરે હનુમાનજી મનમાં વિચાર કરે અપમાન મેં તો કઈ ટકી કરી ભાઈ હનુમાનજી કઈ કર્યો પણ બેટા બેટા આપણે પૂંછ હાથમાં લે પૂંછ નહીં હું દેખે જણ રાવણની નજર પડ ગઈ રાવણ કે ઓ હો એને પૂંછ ઇતિ બઢિયા લાગે એવું કરો જીકી ચીજ ઇને બઢિયા લાગે ઊંડો જ અપમાન કર દો કપી કે મમતા પૂંછ પર એની મમતા પૂંછ માતે હૈ પૂંછ ને જલા દો કેવનારો ભાવ ઓ હૈ હાલાકી ઓ તો પછી પૂંછ જલાન દુ કિસ પાયો હો પર પ્રાણદંડ દેવણા શું અચ્છો હૈ કે કિંડો તિરસ્કાર કર દો ઇંડા દો પરિણામ હોય એક તો બહુ ઘૂટ ઘૂટન મારી તાકી ઉને ચેતો રહી ઓર દૂસરો ઓ હૈ હો સકે ખાણે માફ કરના શું ઊંડી બુદ્ધિ ઠીક હો જાવ કે ભાઈ અબે કી યહાં પર ગલત નહીં કરના અશ્વત્થ મારે માથા મેં મણી હી કે સહિત મણીને નિકાળ ધક્કો દઈ વટે શું બારે નિકાળ દે સબ લોગ બે પાંચ બચ્ચા જીને અશ્વત્થામાં માર્યા હા એનો અંતિમ સંસ્કાર કરે ગંગારે કિનારા માટે આયા હૈ સબ સ્નાન કરે તર્પણ કરે સબને દુઃખ હૈ પર વિશેષ રૂપ શું તો દ્રૌપદીને દુઃખ હૈ મારા પાંચ બચ્ચા હા પાંચો ભગવાનના પ્યારા અરે વીર ગતિને પ્રાપ્ત હોતા તો કોઈ વાત નહીં મને દુઃખ નહીં હોતો કે યુદ્ધ કરતા કરતા ગયા મારું માન રહેવું તો બેચારા ઘરમાં સુતા હા સુતા સુતાને માર દીધા દ્રૌપદી વિશેષ રૂપ સુ દુઃખી હૈ એણ ભગવાન દ્રૌપદી રે કને આયા ઓર આન કહે દ્રૌપદી કિણ વાતરો દુઃખ કરે દુનિયા મેં જો ભી જન્મ લેવે પણ સબને પાછો જામણો છે ra
फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधिया जात जंजी जो भी आया है पर सब ने जामनो है नाथ अगर जन्म नहीं हुई हो वटे तक ठीक है जिंडो जन्म हो गयो है उनने तो मोतरी तरफ जामनो ही है मोतरी तरफ जामनो है दिन उगियो है तो तय है कि दिन अस्त भी होई सूर्य उदय हुयो है तो सूर्य अस्त भी होई कोई कहो नहीं नहीं आज मैं दिन नहीं बदल दूं तो हाथरी बात नहीं एक गांव में एक सेठ जी रहता था सेठ जी रे चार बच्चा सेठ जी आप रे दुकान मकान जमीन जायदाद अजे बच्चा रे नाम करी को नहीं सेठ जी बीमार हुआ जन एक भाई जाए और संता कने गयो संता ने जान कहे पिताजी बीमार है पिताजी बीमार है जन संत कहो पिताजी हमें रहने वाला को नहीं है जमने वाला है जन बेचारों ही बेटा मन में विचार करे यूं की कर जप रहे अजय तो आप की नाम हुई ही को नहीं यूं की कर जप रहे यूं करो पिताजी ने जाऊं देवना नहीं तो घरे बारे एक पीपली रो पेड़ हो पिताजी ने पीपली का ने उबा करन रस्सी सुबान दिया कि हमें देखा कटी न जाए जाऊं देवना नहीं अब तीन चार दिन तो बांध उड़ा राखिया तो संत मन में विचार करियो सेठ घना रेवनाला तो हा को नहीं एक बार फिरो दियूं जयूं देखियूं संत जी आया कह बे बेटा हंसे संता ते कहता नहीं पिताजी रेवनाला को नहीं जौनाला ए बंदिया देख लो कटे ही नहीं गया आगा पछे नहीं हुआ संत जी कहे मूर्खा जिन्हें जावनो हो वो तो गयो अब पिताजी रो शरीर है पिताजी को नहीं है मैं जानसो निकलना हूं जी को निकल गयो हंसा निकल गया काया से वो जिन्हें निकलना हो वो निकल गयो जो जन्मियों हैं उन्हें तो मरना ही पड़े क्यों बात समझ आ रही है कि नहीं भाई जो जन्मियों हैं उन्हें तो मरना ही जाए तो मैं घनी बार एक बात कया करूं जब मरनो तय है मरनो तय है साल अलग अलग हो सके महीनों अलग अलग हो सके ऋतु अलग अलग हो सके सप्ताह अलग अलग हो सके वार दिन अलग अलग हो सके घंटों मिनट सेकंड अलग अलग हो सके जगह अलग अलग हो सके तरीकों अलग अलग हो सके पर मौत तो सबरी आए कोई आकाश में उड़ी तो उठे भगवान कोई पक्षी ने काल बनान भेज दे जमीन में जाओ तो भगवान सांप ने काल बनान भेज दे जंगला में जाओ तो कोई हिंसक जानवर ने काल बनान भेज दे छूटोला नहीं कटे जाओ परा बोले जल में थल में नभ में काल सु मौत सु तो कदी छूट ही नहीं सको मरनो तय है तो नाथ जद मरनो तय जाए तो क्यों ना बढ़िया तरीका सु मरियो जावे मरनो तय है तो क्यों ना बढ़िया तरीका सु मरियो जावे अब मरना रो बढ़ियो तरीको कई है ध्यान दे जो राम कथा अपने जीवनी सिखावे राम कथा अपने जीवनी सिखावे और भागवत कथा अपने मरनी सिखावे तो कई कहो महाराज मरना में कई ही गणो मन मरना घने तरीका आवे चाकू मर जावा छुरा मर जावा तलवारू मर जावा राड़ियों मर जावा जहर खान मर जावा आगू जलन मर जावा पानी में डूबन मर जावा नी वे तो गाड़ी आगे जावा ट्रेना घनी बेवे जनसने आटे तो मोटो ओ मरनो नहीं है आत्महत्या है मरना में आत्महत्या में फर्क है आत्महत्या है मरनो सीखनो है नाथ मरनो सीखनो है अच्छा कई कई लोग मन में विचार कोई एड़ी बात कर अरे नहीं नहीं मरनी बात नहीं करनी भाई अपर मरनी बात नहीं करनी एड़ी बात कर नहीं भाई मरनी बात अच्छा मरनी बात करनो कोई कोई तो मरनी बात कर जी का मर जाए तो जी का मरिया वे गलती मरनी बात कर ली वेला इन वास्ते मर गया आप मरनी बात नहीं करा देना आप तो अमर रहे वहां संत कहे मौत ने याद रख दो पातन को भूल मत जो चाहे कल्याण नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान नारायण एक मौत
को दूजे श्री भगवान। मौत ने याद रखो, याद रखो, याद रखनो कहीं होई। देखो ना तो भेगा मरा और ना मोड़ा मरा, मरा तो बिन टाइम जिन टाइम मौत निकली है। मौत ने याद रखनो ओ होई कि चेतो रही कि गलत करना सु डर लागी, झूठ बोलना सु डर लागी, नशा पता सु डर लागी, पाप करना सु डर लागी। अरे काले मर जावा, काले मर जावा। मौत ने याद रखो तो राम जी याद आई। तो मैं वो कह रही हूं तो नाथ मरनो तो तय है, क्यों ना बढ़िया तरीका से मरियो जावे। तो बढ़िया तरीको कहीं है, ध्यान दे जो मारा नाथ। अगर मरनो ही है तो क्यों ना राम राम करता हुआ मरा, मरनो ही जाए तो क्यों ना कि नहीं काम आवता हुआ मरा, मरनो ही जाए तो क्यों ना घर परिवार रो आप घरवाला रो समाज रो नाम रोशन करता हुआ मरा। नहीं तो भाई जिंदगी मिली है थोड़ा दिनों पूरी हो जाए, हंगारी भी ना परी हो जाए। राम राम आप जीवासु प्रगट हो जावे और मौत ने सुधारनो है। राम राम प्रगट हो ही कहीं आप तो आप घमंडो ही ऊंचा को नहीं आवा, मैं वही ऊंचा को नहीं आवा। मैं मेरे की जेवड़ी बंदियों जाए संसार, और मैं हूं और मारो है इतना में अलू जोड़ा। हाँ संत कहे भाई वो क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना हो एक दिन, माटी में मिल जाना हो, माटी में मिल जाना हो एक दिन, माटी में मिल जाना।